स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैंने डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी इवेंट के होने का इम्कान, ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, किसी भी इवेंट के होने का इम्कान। जैसे हम ये कहते हैं, खबरों में हम सुनते हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने का इम्कान, पंजाब में बारिश होने का इम्कान है, ठीक है। तो ये इम्कान जो है ना, ये यही बेसिकली या चांस जो है यही प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से जब हम कोई मैच देख रहे होते हैं क्रिकेट का, तो हम ये पहले से अंदाज़ा लगाते हैं दोनों टीम्स को देखते हुए, ठीक है। मैच बिल्कुल स्टार्ट में भी एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और मैच के बीच में भी अंदाजे लगा रहे होते हैं कि अब इतने आउट हो गए हैं, ठीक है, इतने रन रहते हैं तो कौन सी टीम जीतेगी, ठीक है। तो वो सारी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि ज़्यादा चांस है जीतने का, कम चांस है जीतने का, ठीक है। तो ये तो होगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड यूज होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। किसका वर्ड यूज होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस दैट जनरेट्स रॉ डेटा, फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन। कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है जिससे डेटा जनरेट होता है, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल हमने क्या दिया है, कॉइन को टॉस करना। अब जब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो वो डेटा जनरेट होगा। डेटा जनरेट किस चीज़ का होगा, हेड का डेटा। मतलब आपने कॉइन फेंका, कभी हेड आ जाएगा उस पर, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप हेड किसको लेते हैं, कॉइन किस फेस को आप हेड कहते हैं, किस फेस को आप टेल कहते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, जो भी आएगा वो अगर आप लिखते जाएंगे कि पहले टॉस पे हेड आया, दूसरे टॉस में हेड आया, तीसरे टॉस पे टेल आया, तो ये डेटा जनरेट हो रहा है। ये हेड और टेल का क्या हो रहा है, डेटा बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट को, हर ऐसे जो है ना इनके प्रोसेस को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो प्रॉपर्टीज का होना बहुत जरूरी है। अगर वो दो प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं होगी तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है जी, टू प्रॉपर्टीज है ना, तो पहली प्रॉपर्टी है ईच ट्रायल हैज सेवरल आउटकम्स, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन रिजल्ट इन टेल और हेड, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो भी आपका एक ट्रायल होगा, ट्रायल क्या होता है, जिस तरह मैंने एक दफा कॉइन को ऐसे टॉस किया तो ये मेरा एक ट्रायल है, कॉइन को दो दफा टॉस करूंगा तो दो ट्रायल होंगे, कॉइन को तीन दफा टॉस करूंगा तो मैंने कॉइन के तीन ट्रायल्स किए, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच में हम लोग सुनते हैं कि ट्रायल चल रहे हैं, सिलेक्शन के लिए ट्रायल चल रहे हैं। बाद में ऐसा होता है, पिछले कुछ अर्से में भी ऐसी है कि पेप्सी ने ऐसी चीज़ें लॉन्च की कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम जो क्रिकेट स्टार जो सेलेक्ट करने वाले हैं तो उसके लिए ट्रायल्स हो रहे हैं, इस्लामाबाद में ट्रायल्स हो रहे हैं, लाहौर में ट्रायल्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ एरियाज में ट्रायल्स हो रहे हैं। तो ट्रायल्स क्या होते हैं कि भाई हम देखें, ट्रायल लें, एक दफ़ा बॉल कराई, ठीक है, बहुत अच्छी हुई तो मुमकिन है कि एक ही बॉल में सिलेक्शन हो जाए, या अगर एक बॉल अच्छी नहीं हुई बॉलर से तो बॉलर ने कहा कि सर काइंडली मुझे एक और ट्रायल दे दें, एक और बॉल ट्राई कर लें, ठीक है। तो वो बॉलर ने एक और बॉल कराई, उस पर भी अगर सिलेक्शन कमेटी को लगा कि यार ये ठीक नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये ट्रायल्स होते हैं, इस तरह बैट्समैन के ट्रायल होते हैं, मुझे बॉलें कराते हैं तो देखते हैं उनकी शॉट्स कैसे हैं। तो ये ट्रायल है, एक ट्रायल, ठीक है, एक दफ़ा टॉस फेंका तो एक ट्रायल है। तो जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि हर ट्रायल के बहुत से आउटकम हो सकते हैं, यानी ये जो मैंने एक ट्रायल कॉइन को टॉस की है, इस ट्रायल का रिजल्ट क्या होगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, दो रिजल्ट है। इसी तरीके से अगर कोई मैच खेला जाता है क्रिकेट ग्राउंड में, कोई क्रिकेट का मैच खेला जाता है, तो उस एक मैच को हम एक ट्रायल कहेंगे। ट्रायल किस लिए, कि कौन सी टीम जीतती है, पर्पज क्या है उस ट्रायल का, कि कौन सी टीम जीतती है, ठीक है। तो उसके पॉसिबल रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या कोई मतलब अगर हम पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं
तो या तो हमारी टीम जीत जाएगी या हार जाएगी या ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच में पॉसिबल आउटकम्स एक मैच के यानी कि एक ट्रायल के कितने हो सकते हैं, तीन तीन आउटकम्स हो सकते हैं उसके, या जीतेगा या हारेगा या ड्रॉ होगा। ठीक है, तो एक तो पहली प्रॉपर्टी रैंडम एक्सपेरिमेंट की कि जो भी ट्रायल होगा उसके बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, दो रिजल्ट हो सकते हैं, तीन रिजल्ट हो सकते हैं, छह रिजल्ट हो सकते हैं। इस तरह जब हम आपने लूडो खेली होगी, लूडो में जो आप जब आप छक्का रोल करते हैं तो एक दफा रोल करते हैं आप बेशक, ठीक है, लेकिन उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि हो सकता है आपने छक्के के लिए कोशिश ही होती है मोस्टली, या किसी खास नंबर के लिए कोशिश होती है। ठीक है, तो जब आप उसको रोल करेंगे तो या हो सकता है एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा, इनमें से कोई आउटकम नहीं आएगा ना। सेवन नंबर भी नहीं आ सकता, एट भी नहीं आ सकता, जीरो भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस डाई के ऊपर है ही नहीं, छक्के के ऊपर जो है वो है ही, उसको हम डाई कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लूडो खेल रहे हैं तो उसके एक ट्रायल में यानी एक दफा हम ऐसे डाई को रोल करेंगे तो उसके एक ट्रायल में छह पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है, अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम, अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम यानी रिजल्ट। अनसर्टेनिटी क्या होती है, गैर यकीनी की कैफियत, जब आपको किसी हवाले से यकीन ना हो, श्योर ना हो कि भाई आने वाले जो मैच है उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल हो, अनसर्टेनिटी उसको हम कहते हैं, जब आपको मैच के रिजल्ट का पहले से ना पता हो, कोई कह रहा हो जीत जाएगा, कोई कह रहा हो हार जाएगा, पहले से पता ना हो। ठीक है, जैसे आप कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करने से पहले मुझे पता है कि वो हेड आएगा टेल आएगा, या मैं अगर छक्का जो है डाई जो है उसको रोल करता हूँ तो मुझे पता है कि छक्का ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, यानी कि मैं रिजल्ट के आने के बारे में श्योरली, ठीक है, यकीन से, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें यकीन है कि ये काम होना ही होना, सर्टेनिटी है। ठीक है, तो उसको हम श्योरिटी भी कहते हैं, सर्टेनिटी भी कहते हैं। हम श्योरली, श्योरिटी से या सर्टेनिटी से हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने डाई रोल किया उसमें छक्का ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, यानी हम अनसर्टेन है, हम गैर यकीन सूरत हाल में है, और तुक्का है कि हो सकता आज छक्का हो सकता ना आए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, पहली प्रॉपर्टी के हर रिजल्ट के बहुत सारे, हर ट्रायल के बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी रैंडम एक्सपेरिमेंट की क्या है, कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो अनसर्टन हो, उसके बारे में पहले से कोई गैस नहीं लगाया जा सके। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, मैच फिक्सिंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैच फिक्सिंग है, मैच पहले ही फिक्स हो जाता है। अब जिसने मैच फिक्स किया है, अगर उससे हम पूछे मैच का क्या रिजल्ट होगा, तो उसमें कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, उसमें कोई चांस वाली बात है ही नहीं, उसमें कोई अनसर्टेनिटी वाली बात है ही नहीं, उसमें सर्टन है, मालूम है कि मैच फिक्स है, ये टीम जीतेगी या हारेगी। ठीक है, तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, जहां पे पहले से मैच फिक्स हो गए, रिजल्ट का पहले से पता है, इस टीम ने इतने पैसे नहीं है, इस टीम ने हारना है, उसने जीतना है, तो ये सर्टेनिटी वाली कंडीशन होगी, ये अनसर्टेनिटी वाली गैर यकीनी सूरत हाल नहीं, यकीन से कह सकते हैं, सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि मैच ये वो टीम जीतेगी, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। फिर सैंपल स्पेस है, अब सैंपल स्पेस क्या है जी, सैंपल स्पेस की डेफिनेशन लिखी है, द सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एस, सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल क्या दिया, डाई इज रोल्ड रिजल्ट्स, A dice rolled results in six possible outcomes. ठीक है, अब जब हम छक्का रोल करते हैं तो उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, कि छक्का रोल करते हुए या एक आएगा या दो आएगा या तीन या चार या पांच या छह, तो वो छह के छह आउटकम्स अगर एक ही सेट के अंदर लिख दिए जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। और इसलिए इसको क्या लिखा है, द सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सेट, ऐसा सेट जिसमें सारे पॉसिबल रिजल्ट्स इकट्ठे लिख दिए जाए, ऐसा सेट जिसमें सारे पॉसिबल रिजल्ट्स इकट्ठे लिख दिया जाए। जैसे मैच है, मैच का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, W यानी विन कॉमा L फॉर लॉस कॉमा T फॉर टाई यानी ड्रॉ मैच, तो उसके उसका सैंपल स्पेस जो होगा S, उसमें तीन अल्फाबेट्स हम लिखेंगे, विन लॉस और टाई। ठीक है, वो सारे पॉसिबल आउटकम्स को हमने एक ही सेट में लिख दिया तो वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इवेंट्स क्या है, पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट, यानी कि जो भी पॉसिबल आउटकम है, ठीक
ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल आउटकम होगा एक, वो एक इवेंट है। ठीक है, जैसे हम छक्का रोल किया तो एक आया, ये एक आना एक इवेंट है। इस तरह छक्का रोल किया आपने, डाय रोल किया उसमें टू आया, ये भी एक इवेंट है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल दे दिया है कि अच्छा, फिर इसमें एक और चीज इवेंट में क्या बताइए, दस अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट क्या होता है, छोटा सेट, आप इससे पहले भी छोटी क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सबसेट। ठीक है, किसी बड़े सेट का छोटा सेट सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो सबसेट जो है वो इस सैंपल स्पेस का कोई भी जो उससे छोटा सेट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, इवेंट कह सकते हैं। जो सैंपल स्पेस से छोटा सेट है वो एक इवेंट है। ठीक है, फिर सिंपल इवेंट है, इफ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट। अगर किसी भी इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट हो, एक ही रिजल्ट हो, तो उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है, सेट बी के अंदर एक ही छक्का फेंका आपने तो एक आ गया, तो ये एक ही जो हमारा आया ना, एक दफा मैंने जो ट्रायल लिया और उसमें रिजल्ट मिला, मतलब एक ही आएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन, जो भी नंबर आएगा, मैंने एग्जांपल के तौर पे वन ले लिया, तो जो एक ट्रायल है उसमें जो एक रिजल्ट आया, वो एक रिजल्ट जो है उसको हम, क्योंकि एक ट्रायल में एक ट्रायल एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आएगा एक, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी की है, छह की पॉसिबिलिटी है। एक ट्रायल में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, छह, या एक आएगा या दो या तीन या चार या पांच या छह। लेकिन एक्चुअली जब वो आ जाएगा तो एक ही दफा में एक ही नंबर हम लेके आ सकते हैं ना, एक ही दफा में दो दो नंबर तो नहीं आ सकते, एक ही दफा बारी करें एक भी आ जाए छह भी आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अगर एक छक्का है, अगर एक डाय है तो फिर ठीक है। तो एक ट्रायल में एक इवेंट आया, एक ट्रायल में एक आउटकम आया, तो उस एक आउटकम को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा ट्रायल है, ठीक है, और उस लजमत अगर दो ट्रायल होंगे तो दो रिजल्ट लिखे जाएंगे, तीन ट्रायल होंगे तीन रिजल्ट लिखे जाएंगे। ठीक है, तो जितने ट्रायल है, अगर वो ट्रायल एक से ज्यादा हो, उसमें रिजल्ट भी एक से ज्यादा हो, किसी सेट में एक से ज्यादा नंबर हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट। क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, एक एलिमेंट है तो सिंपल, और एक ज्यादा नंबर है किसी सेट में या एलिमेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट। इन नंबर्स को हम नंबर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, सैंपल पॉइंट्स भी कहते हैं। इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, एक दो तीन, इसमें कितना सैंपल पॉइंट है, एक। ठीक है,